वो सही दिशा में लाना है। मैंने 12-15-17 साल समाज खातर खूब संघर्ष कराया, लेकिन आज मैंने इन लागत थोड़ा सा अगर होश में कर देने तो समाज ने और बड़ा फायदा दुआ देने। खूब मुकदमे, खूब रोड जाम और बड़े नेता पीते सारे काम करे। तो मेरे नौजवान साथियों, आपका भविष्य का युद्ध है, यो आपका कैरियर की जंग है, और जो साथ में गणा है उसके साथ आपने यह लड़ाई जो है ना पूरी करनी पड़ेगी। पूरे देश में सारे में बवाल आ रहे हैं, आपने दिखा है, लेकिन अगर इस बवाल ने सही दिशा नहीं दी गई, डायरेक्शन नहीं दी गई, तो 2-5-4 दिन ये आंदोलन चल के हुआ होकर न्यू के न्यू ग्राम बैठ जाओगे, मेरे भाई तुकर आज बैठे हो। सरकार जिसी है वो सबने ले रहा है, कहने की विस्तार से जरूरत नहीं है। इस सरकार की तो व्यापारिक सोच है, हर काम में फायदा नुकसान देख के पैसे का, और कुछ कौन देखा कर नहीं सोचते। इसने और किमें दिमाग लड़ाया है, नरेंद्र मोदी सरकार ने एक के दिमाग लड़ाया है। अगर ये लाखों जो फौजिया ने तनख्वाह देनी पड़े उसका पेंडा कुकर छूटा है, जो पेंशन देनी पड़े उसका पेंडा कुकर छूटा है, सिर्फ एक व्यापारिक फायदे के लिए इन्होंने देश की रक्षा के साथ समझौता कराया है। आपका करियर के साथ समझौता तो एक बात है, लेकिन जो बॉर्डर पे हमारा जवान खड़ा है उसकी सोच पे भी इसने असर डाला है। तो सिर्फ एक ही बात मेरे भाई कहनी है, लंबा चौड़ा भाषण की बजाय, आपने जो आंदोलन लड़ना है ना भाई, उसमें लड़ना है। कोई दुश्मन की सरकार कौन बैठी है, पाकिस्तान चीन गलत में करना हो, सिर्फ होश में रह के सरकार पे इतना दबाव बनाना है। अब सरकार ने जो लागू कराया टूर ऑफ ड्यूटी, इससे पहला सरकार रेगुलर भर्ती खोल है, और साथ में जो सरकार ने गलती कर रखी है, इस 2020 में जो भर्ती के एग्जाम शुरू हुए थे जिसमें तक कई इंटरव्यू भी हो लिए, एयरफोर्स के मेरे सामने इंटरव्यू हो लिया ने, रिजल्ट आना बाकी का, एक भर्ती तो लिस्ट ले ली, उसके अलावा कुछ ऐसी भर्ती है जिसमें भाइयों ने फिजिकल दे लिया, मेडिकल दे लिया, रिटर्न की बात थी, जिसने अपना खून पसीना एक करके अरब इंजाम जगह में फिनिशिंग लाइन पर पहुंच लिया था, आखिरी 20 मीटर की दौड़ रही थी, ओड़े लुके मिले तो दौड़े कैंसिल होगी। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है मेरे भाई, सरकार का फर्ज बना था पहले पछला बैकलॉग पूरा कर दी, साथ में रेगुलर भर्ती चालू कर दी। जिस भी देश का सरकार उदाहरण दे है, ये भाजपा के मेरे भाई उदाहरण दे है, उस देश में गल्ला रेगुलर भर्ती चालू है, जब यह गल्ला टूर ऑफ ड्यूटी है। आपने बता दी जो ब्रिटेन का जो यो है ना प्रिंस जो विलियम था, प्रिंस हेनरी था, वो सारे फौज में टूर ऑफ ड्यूटी करके आ रहे, लेकिन वो उनकी फौज लगातार जो भर्ती है वो भी जारी रखे है। इस जो टूर ऑफ ड्यूटी दिया, इसका नुकह दिया बस 4 साल घूमते रहिए, कोई नहीं 4 साल की बजाय साल भर करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन रेगुलर भर्ती जिसका खातर आपने अपना खून पसीना दिया है, जिसका खातर आप संघर्ष जीवन लगाया है, वह रेगुलर भर्ती बंद नहीं होनी चाहिए। ये बात मैं आपने इसलिए बता रहा हूं मेरे भाई, आपके जोश ने अपने राजनीतिक फायदे खातर इस्तेमाल करके बहुत सारे लोग कूद रहे मैदान में, उल्टा कराओ। आपकी सोच, आपका मकसद साफ होना चाहिए, साफ आपकी नजर में आपके चाहो। हाँ भाई बोलो, आपके चाहो टीओडी वापस लेना चाहो भाई। भाई समझो एक बात ने, जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया है अगर वह लागू रवे, जो कर पहले भर्ती हुए अगर तीनों लागू रवे, आपने एज में रिलैक्सेशन मिलके और दोबारा भर्ती प्रक्रिया चालू हुए, तो टीओडी का आपका कोई नुकसान है बताओ भाई। पहली भर्ती सरकार बहाल करे प्रक्रिया, जो कर पहले भर्ती हुआ कर दे, और उसमें जो आधी रह रही है उसने पूरी करे, उस दौरान जो 2 साल का 2.5 साल का जो समय लगे है, इसकी सरकार उम्र की छूट देवे। हालांकि रात ने नोटिफिकेशन